हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सैयम बड़ोला और आज अपन बात करेंगे कि आईआईटी जेई मेंस 2020 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सबके लिए हुए, केवल चेंज तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन हल्के से कम हुए हैं, क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ओके, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए। टाइम तो इतना ही है। अब जो क्वेश्चन जेई मेंस में है, मतलब हर सेक्शन में पहले कितने होते थे 30, पर अब कितने होंगे 25। इसमें भी 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 रहेंगे सब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो जो थे पहले +4 -1, जो 5 सब्जेक्टिव है वो आपके हो गए इंटीजर वाले। अब उसमें क्या होता है, 0 से लेके 9 तक मतलब 10 ऑप्शन है, ओके। तो क्वेश्चन कभी आपको आता है तभी अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ाने की कोशिश की। और मेरे को ये डिसीजन अच्छा लगा है, मतलब एनटीए तो हर बार अपने को कुछ ना कुछ बदलाव दिखाती है, मगर ये वाला जो डिसीजन है उन लोगों का, इससे पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, बाकी सबके लिए बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग कुछ अनलक्की हो, तुम्हारे पहले वाली बैच बहुत लकी थी, उनके लिए 360 का ही पेपर था, कोई दिक्कत नहीं। 300 का पेपर है तो सबके लिए 300 का है। अब देखो, जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको अडाप्ट करें। जो लोग उसको अडाप्ट कर लेते वो लोग आगे निकल जाते, जो लोग उसको लेके बैठ जाएंगे कि यार क्यों हो गया ऐसा, तो कुछ नहीं कर पाओ। तो मेन चीज़ ये कि अडाप्ट करो, अच्छे से मेहनत करो, ओके। सब बढ़िया तैयारी चल रही होगी और वीडियोस कभी अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।